वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नवादा की धरती पर महिला दंगल प्रतियोगिता का सीधी वीडियो आपको हकीकत सब तक पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड के डोहड़ा गांव से सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं बाउंड्री रेखा से बाहर महिला का पैर जा चुका था और उसके बाद जो है अंदर आया है और आगे जो है लगातार आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से बने रहिए, लगातार सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर आ जाने की वजह से जो है रेफरी उन्हें फिर से अंदर करते हैं और फिर से जो है दोनों जो महिला पहलवान हैं अपनी अपनी प्रतिभा को जो है दिखाने वाले हैं और बिल्कुल देख सकते हैं दोनों जो महिला पहलवान हैं किसी से कम नहीं है क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्रदर्शन को दिखा रहे हैं और बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर समझ सकते हैं सीधी तस्वीर आपको हकीकत सब तक पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से बने रहिए, लगातार जो है सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों जो महिला पहलवान हैं किसी से कम नहीं दिख रही हैं, अपनी अपनी क्षमता का दोनों जो हैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और आगे अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होगी, कौन बनेगा आखिरी विजेता। और सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हकीकत सब तक पर ये सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रही है और बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हकीकत सब तक पर और दोनों जो महिला पहलवान हैं किसी से कम नहीं है और नवादा की धरती पर ये महिला दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें दूर दूर से लड़कियां आई हैं और अपनी दूर दूर से महिला पहलवान आई हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोनों जो महिला पहलवान हैं अपनी अपनी क्षमता को निखेर रही हैं और देखना ये होगा कि आखिरी जो विजेता होता है कौन होता है। कहीं ना कहीं दोनों जो पहलवान हैं किसी से कम नहीं है और जो लोग सोचते हैं कि कुश्ती जैसे क्षेत्र में महिला नहीं हो पाती हैं और बिल्कुल देख सकते हैं लाइट का व्यवस्था किया गया है और लाइट जलते ही दर्शक जो है खुशी से झूम उठे क्योंकि दंगल का और देख सकते हैं विजेता हुए सोनम यादव विजेता हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरी जो सोनम जी और ये हैं सोनम जी जो अपने प्रतिद्वंदी पर जो है विजय प्राप्त किए हैं। कब से जो है आप कुश्ती में हैं? मेरा नाम सोनम पहलवान है, हम बोधगया के रहने वाला नामा गांव के, बिहार में 6 बार मेरा लगातार गोल्ड मेडल रहा। कब से खेल रही है कुश्ती? 2017 से ही खेल रही है और ये आपका जो है अब हॉबी बन चुका है? हॉबी बन चुका है, अभी ऑल इंडिया सिविल सर्विस में मेरा 3rd मेडल आया है। ऑल इंडिया सर्विस, सोच सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि दंगल प्रतियोगिता कहीं ना कहीं कुश्ती जो होता है पुरुषों के लिए होता है उसके लिए जो है कड़क तमाचा है क्योंकि साफ तौर पर समझ सकते हैं ये दोनों जो महिला पहलवान हैं अपनी अपनी भूमिका का प्रदर्शन कर रही थी और कहीं ना कहीं इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ दर्शक जो हैं उपलब्ध हैं और कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस महिला दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए तमाम जो दर्शक यहाँ उपस्थित हुए हैं इसकी नगण्य जो संख्या है अपने आप में मायने रखती है और सीधी तस्वीर आपको नवादा जिला के नारदीगंज ब्लॉक से डोहड़ा गांव से दिखा रहे हैं और महिला दंगल प्रतियोगिता का जो है लाइव वीडियो आप लोग जो है हम अपने हकीकत सत्य पर दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आप लोगों को ये दंगल प्रतियोगिता कैसा लगा बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद, जय हिंद।